नमस्कार। रूबरू कार्यक्रम में मैं ओम कसारा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हैं बाबूलाल जी जाजू। बाबूलाल जी जाजू ने पंचमुखी मोक्षधाम के जीर्णोद्धार और स्मृतिवन को वर्तमान स्वरूप प्रदान करने के लिए जो कुछ भी किया है वो इन्हें अमर कर देने के लिए पर्याप्त है। एक सामान्य परिवार में जन्म लेने वाले बाबूलाल जाजू कोई राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी या बड़े उद्योगपति नहीं है। जाजू ने उच्च शिक्षा भी ग्रहण नहीं की, लेकिन इसके बावजूद जब एक बार इन्होंने कुछ करने की ठान ली तो उसे पूरा करके ही दम लिया। यह गौर करने लायक बात यह है कि बाबूलाल जैसा आम आदमी जब अपने जीवन काल में एक मकान बनाना शुरू करता है तो निर्माण सामग्री जुटाने और मजदूरों से काम करवाने में ही उसके बाल सफेद हो जाते हैं। ऐसे में पंचमुखी मोक्षधाम जैसी उजाड़ जगह को शानदार उपवन में तब्दील कर देने और हरणी महादेव की बंजर पहाड़ियों को हरा भरा करवा कर स्मृतिवन का स्वरूप प्रदान कर देने में बाबूलाल को कितने पापड़ बेलने पड़े होंगे, इसकी कल्पना मात्र ही रोंगटे खड़े कर देने के लिए पर्याप्त है। पहले तो क्षेत्र में रहने वाले लोगों का विरोध झेलना, फिर प्रशासनिक स्वीकृति हासिल करना और उसके बाद कमीशन खोर सरकारी नुमाइंदों से उच्च क्वालिटी का काम करवाना, वो भी स्वयं या अपने परिवार के लिए नहीं अपितु उन सभी के लिए जिनमें से अधिकांश जाजू के लिए अनजान है। ऐसे निस्वार्थ और परोपकारी बाबूलाल के लिए भले ही कोई कुछ भी कहे, किंतु मोक्षधाम और स्मृतिवन के रूप में भिलवाड़ा को दिए इनके योगदान को कोई नकार नहीं सकता। तो आइए बातचीत करते हैं बाबूलाल जी जाजू से। रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले मैं ये चीज पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो पंचमुखी मोक्षधाम का आपने जो जीर्णोद्धार किया और स्मृतिवन को जो वर्तमान स्वरूप प्रदान किया, इसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली? पंचमुखी मुक्तिधाम अब एशिया का सबसे बढ़िया मुक्तिधाम बन चुका है। मैं आज के 20 वर्ष पहले गुजरात के जामनगर शहर में किसी पारिवारिक समारोह में सम्मिलित होने के लिए गया था, तो हमारे रिश्तेदारों ने मुझे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कहा कि हमारे यहाँ का मुक्तिधाम देखिए। तो मैं बड़ा अचरज भरी बातों ढंग से पूछा, मैंने भाई मुक्तिधाम भी कोई देखने की चीज होती है क्या? तो उन्होंने मुझे दिखाया, तो उस दिन मैंने ये प्रतिज्ञा ली अपने मन में कि इससे बढ़िया मुक्तिधाम अपने को भिलवाड़ा में बनाना है। काम तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन हमारे पुराने मित्रों और सहयोगियों की और भिलवाड़ा के उद्योगपति और समाज सेवियों के सहयोग से एक पंचमुखी मुक्तिधाम का स्वरूप ऐसा निखरा सच्ची लगन और मेहनत से कि आज उसे देखने के लिए पर्यटन की दृष्टि से लोग आते हैं। वहाँ की हरियाली, वहाँ का पुस्तकालय, पेड़ बचाने के लिए LPG सवदा गृह है, और खासकर गहराती पेयजल समस्या, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और अनेक ऐसी कुछ बातें हैं, शुद्ध पानी, ठंडा पानी, साफ सुथरे बरामदे, हजारों की संख्या में सुंदर पेड़, दाह संस्कार करने के लिए बरामदे, बैठने के लिए सुरभ्य वातावरण। तो ये सारा संभव हो पाया नगर विकास न्यास के हमारे मित्र चेयरमैन थे लक्ष्मीनारायण जी दाहट और यहाँ के उद्योगपति और समाज सेवियों के आर्थिक सहयोग से। हमारे साथ उसमें राम गोपाल जी अग्रवाल, मोहन जी कसारा, ओम जी सोनी, मुकेश जी अजमेरा सहित अनेक लोगों की एक टीम और रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, उसके कारण ये मुक्तिधाम आज एशिया में एक अपनी पहचान बना चुका है। अच्छा, भिलवाड़ा में व्यवस्थित पौधारोपण कार्यक्रम शुरू करने के जो श्रेय है वो भी आपको जाता है, तो ये प्रेरणा भी आपको कहां से मिली और इसमें कहां तक आप सफल रहे लोगों में जागरूकता लाने के मामले में? मैंने तो जीवन में जो भी काम हाथ में लिया ओम जी, उसमें मुझे आज तक असफलता का कहीं कोई कारण दिखाई नहीं देता है। मैं सोचता हूं जो भी व्यक्ति सच्चे मन से अगर काम करता है तो उसमें 100% सफलता मिलती है। मन, वचन, कर्म और ईमानदारी से काम करें तो सफलता न मिले इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। भिलवाड़ा शहर के सारे स्वयंसेवी संगठन, जागरूक नागरिक और यहाँ की खासकर जनता, मैं UIT और नगर परिषद को भी इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज के 20 वर्ष पहले मेरे लिख करके देने से या मेरे निवेदन पर UIT में चेयरमैन रहे, चाहे वो यदवेंद्र जी माथुर हो या जो भी कलेक्टर थे, भरत मीणा हो, यदवेंद्र माथुर हो,
पवार साहब हो, एसएन थानवी हो, और यूआईटी में नगर परिषद में ओम जी नारायणीवाल हो, लक्ष्मी नारायणी डाड हो, जगदीश देरक हो, मधुजी जाजू हो, उन्होंने हमारे निवेदन पर ट्री गार्ड भी बनाए और निःशुल्क भीलवाड़ा की जनता को निःशुल्क वितरण भी किए। और अभी इन दिनों में पिछले 2 साल से भीलवाड़ा के उद्योगपति संगम ग्रुप के चेयरमैन रामपाल सोनी में पिछले 5-7 सालों से, क्योंकि एक पहचान है उद्योगपतियों की, भाई औद्योगिक प्रदूषण फैलाने में उद्योगपतियों का बड़ा भीलवाड़ा में हाथ रहा है, तो मैंने उन्हें आग्रह किया और पहले वर्ष उन्होंने लगभग 20 लाख रुपया खर्च किया, गत वर्ष से उनका बजट बढ़कर के 40 लाख हो गया। हर वर्ष 5,000 ट्री गार्ड और 1 लाख पौधे शहरवासियों को और जिले वासियों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप एक लंबे समय से पर्यावरण संरक्षण के कार्य में सक्रिय हैं, तो इसमें इस कार्य को करने में जब आपको क्या कुछ बाधाएं ऐसी सामने आती है? कार्य करने में बाधाओं के अलावा कुछ होता ही नहीं है। अगर आदमी साल 2-4 साल में थक जाता है तो वो काम नहीं कर सकता है। इन बाधाओं से पार पाना और इन व्यवस्थाओं से लड़ना कोई मुश्किल नहीं है, सच्चे मन से अगर आप काम करना चाहते हैं तो। खासकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ओम जी आपको और मीडिया को, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट, और खासकर अब हमारे लिए पिछले 2 साल से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी हरित न्यायालय बन गया है। तो मेरे लिए, मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मेरे लिए भगवान है न्यायालय, और खासकर मीडिया जो हमारी बातों को सरकार तक, अधिकारियों तक और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाती है, पहुंचाती नहीं है, उस पर प्रसंज्ञान लेकर के जनप्रतिनिधि सरकारें भी काम करती है। तो पर्यावरण संरक्षण के प्रति आज जो कानून है, इसमें आप क्या और बदलाव चाहते हैं ताकि इन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके? कानून तो अंग्रेजों के जमाने से बने हुए, उसके बाद समय समय पर जो भी सरकारें आई है, पशु क्रूरता अधिनियम 1960, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के विभिन्न धाराओं में बड़े सख्त कानून हैं, लेकिन वोटों की राजनीति और दबाव के कारण कानून ओम जी काम नहीं कर रहे हैं। अगर उन कानूनों को अमल में लाया जाए तो मैं नहीं सोचता हूं कि हमारे झील, जलाशय, नदियां बर्बाद हो। आज जो बर्बादी का कारण है उसमें कानून की पालना ही सख्ती से नहीं हो रही है, यही एक प्रमुख कारण है। अच्छा, प्लास्टिक डिस्पोजल भी एक बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है, तो इसे मानवता के लिए आप कितना गंभीर खतरा मानते हैं? ओम जी, वास्तविकता ये है कि भारत सोने की चिड़िया वाला देश कहलाता था, और मैं तो कहूं हम गाफिल हैं इस देश के लोग। विदेशों में पॉलिथिन और डिस्पोजेबल, इसकी घातकता और प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रियां जिन्होंने 30 साल पहले विदेशों ने बंद कर दी, उन उद्योगपतियों को हम भारत में, राजस्थान में, भीलवाड़ा में इंडस्ट्री लगाने के लिए उनको पुरस्कृत कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, हम गाफिल हैं। आप पॉलिथिन की बात कर रहे हैं, पॉलिथिन हमारे लिए इतनी घातक है, आज राजस्थान प्रदेश में पॉलिथिन के खा जाने से केवल राजस्थान में प्रतिदिन 450 पशु अकाल के मौत में सुमारे हैं। आज भीलवाड़ा में 15-20 पशु रोज पॉलिथिन खाने से मर रहे हैं, आफरा आ जाता है। और यही पॉलिथिन कचरे के साथ जमीन में जाकर के जमीन की नसबंदी कर रही, जिससे वर्षा का पानी जमीन में नहीं जा पा रहा है, क्योंकि पॉलिथिन को गलने में और समाप्त होने में लगभग 450 वर्ष लगते हैं। आजकल चाय भी प्लास्टिक की थैली में ला रहा है आदमी, और फिर प्लास्टिक की गिलास में चाय पी रहा है, तो जो ही गर्म चाय प्लास्टिक की थैली में डालते हैं केमिकल डाइल्यूट हो जाता है, फिर प्लास्टिक के गिलास में डालते हैं और डबल जहरीला केमिकल डाइल्यूट हो गया, उसको हम पी रहे हैं, जिससे ऐसी ऐसी बीमारियां, खासकर कैंसर, चर्म रोग, श्वास के रोग, खुजली पर हम संभलना नहीं चाहते। आज भीलवाड़ा में 4-5 लाख प्लास्टिक के डिस्पोजेबल गिलास रोज हम फेंक रहे हैं। अच्छा, सड़कों पर जो घूमने वाले आवारा पशु हैं, ये कई बार गंभीर सड़क दुर्घटनाओं का भी कारण बनते हैं, तो इसका क्या स्थायी समाधान आप सोचते हैं? कि जितने काइन बाउस बने हुए हैं उनमें इस लावारिस मवेशियों को रखे। मैं पूर्व में जो कलेक्टर थे महावीर जी शर्मा, उन्होंने सुरभि गौशाला से 3 साल का अनुबंध नगर परिषद से करवाया। शहर में मुश्किल से 1,000 या 1,500 आवारा पशु या लावारिस पशु हैं, मुश्किल से 20 या 25 लाख रुपए में यह आवारा पशु मुक्त हो सकता है, लेकिन इस पर गंभीरता से आज तक
प्रशासन ने और परिषद ने काम नहीं किया है। अच्छा, तो विकास और विनाश इन दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाया जा सकता है? भाई, पर्यावरण ठीक रहे इसके लिए आदिकाल से कानून बने हुए हैं और हमारी सरकारों ने समय समय पर वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्यजीव अधिनियम 1972, पशु क्रूरता अधिनियम 1960 और अनेक कई कड़े कानूनों में प्रावधान किया है। आज जो छोटी मोटी बची खुची जो फॉरेस्ट की धरती बची है ओम जी, इसका कानून ही कानूनी है। अगर जनप्रतिनिधि और अफसरों का बस चले तो वन क्षेत्र की एक इंच जमीन भी ना बचे। इसमें भी मॉल और खनन की इजाजत सरकार दे सकती है। आज राजस्थान में लाखों हेक्टर भूमि खनन के लिए आवंटित कर दिए। खनन माफियाओं को पनपा रही है सरकार। आज चरागाह जमीन जो बेजबानों के हक की जमीन है वो बिल्डरों को देने की बात चल रही है। हमें न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, अल्टीमेटम देना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। तो हम करना क्या चाहते हैं? पर्यावरण कानूनों की रक्षा करें, पर्यावरण नियम जो बने हुए हैं कानून उनकी पालना की सुनिश्चितता हो और उन्हीं के अनुसार हम काम करें। जहां कॉलोनियां बनाने का नियम है, जो जमीन है वहीं बनाए। अच्छा, आम आदमी जो है वो अपने निजी कार्यों के लिए भी कई मरतबा समय नहीं निकाल पाता, लेकिन आप ये सब कुछ कैसे क्या कर पाते हैं? और कई मरतबा तो जैसे शुरुआत में आप पर आरोप भी लगते थे कि सिर्फ एक लोकप्रियता हासिल करने के लिए आप ये सब कुछ करते हैं, तो इन सब बातों में कहां तक सच्चाई है? ऐसा है कि काम अगर ईमानदारी से करोगे तो आदमी को लगभग 10 साल जूझना पड़ता है। समाज, परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, मीडिया, ये कोई भी आगे बढ़ता हुआ कोई भी व्यक्ति देखना नहीं चाहता है, हमारे अपने नहीं देखना चाहते हैं। तो आदमी को मान्यता मिलना, ओम जी मैं आपके इस हलचल चैनल के माध्यम से खासकर आपको बताना चाहता हूं, उन स्वयंसेवी संगठनों को और उन जागरूक नागरिकों को जो समाज सेवा के लिए आगे आ रहे हैं, आना चाहते हैं, कि वो आरोप प्रत्यारोप को पुरस्कार मान करके काम करें। अगर आप काम करेंगे तो आप पर आरोप लगेंगे, अगर आप उन आरोपों को से विचलित हो जाएंगे, परेशान होकर के मैदान छोड़ देंगे तो आप जीवन में कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। मेरा दावा है कि सरकार का एक रुपया आज तक कोई यह सिद्ध कर देगा हमने लिया है। हम कोई प्रोजेक्ट ही ऐसा नहीं लेना चाहते हैं जो सरकार का एक नया पैसा हमारे खजाने में जाए। मेनका गांधी मेरी संस्था पीपल फॉर एनिमल की करता धरता है ना बॉस है। मेरा तो ये भी दावा कि मेनका जी से मैंने आज तक एक रुपया नहीं लिया, बल्कि उसको सदस्यता शुल्क मैंने दिया है। पिछले 18 साल से हम अस्पताल चला रहे हैं। अच्छा, पशु बलि रोकने के लिए भी आपने काम किया है और कई मंदिरों में जैसे सरुका भी है, तो एक आरोप आप पर ये लगता है आपने सिर्फ मंदिरों की चर्चा की लेकिन कभी बकरीद पर एक शब्द नहीं बोले, इसकी क्या वजह? ऐसा ओम जी, मैं सोचता हूँ आप भी इसके गवाह रहे होंगे क्योंकि आपने राष्ट्रदूत से अपनी पत्रकारिता शुरू की थी आज के लगभग 25 वर्ष पहले। आपको ध्यान हो तो लगभग 22 वर्ष पहले पशु बलि के खिलाफ, चूंकि हमारी हिंदू संस्कृति में बलि को एक बुराई माना गया है और उसके लिए नीति संगत कानून भी बने हुए हैं बलि को रोकने के लिए, मैंने उन कानूनों की पालना के अंदर बात की है, मैंने कोई अलग हटकर के बात नहीं की है। अब आप ये कहते हैं कि बकराईद पे उनके धर्म में उनको सरकार ने मान्यता दे रखी है। आपको ध्यान हो तो टोंक में ऊंट बलि होती थी, वो कानून की धज्जियां उड़ाते होती थी, तो उस मामले को प्रशासनिक अधिकारियों ने, सरकार ने इतनी गंभीरता से लिया जैसे कोई मैंने कोई गलत कदम उठाया हो। तो आपको ध्यान हो तो उस समय मैंने इस पशु ऊंट बलि का सबसे पहले मुद्दा उठाया था। यदवेंद्र माथुर तत्कालीन कलेक्टर थे तो वहां के कलेक्टर ने उनको दूरभाष पर यह कहा कि भाई बाबूलाल जाजू ने कानून के दायरे में रहते हुए मैं थ्रेटनिंग दी कि किस कानून के तहत ये ऊंट की बलि होती है। तो चूंकि हमको इसका विरोध करना था और एक शुरुआत करनी थी तो हम टोंक भी गए। वहां के मुबारक महल नजरबाग में जो वहां के लोग ऊंट को खरीद करके लाते थे, तो एक 200 साल पुरानी परंपरा को लगे रहे तो 20 साल बाद सरकार ने माना
न्यायालय में गई, न्यायालय तक फैसला नहीं दे सका। ये ऐसा मतलब उनको इतना मतलब इस मामले को इतना उलझा हुआ मानते हुए न्यायालय तक ने फैसला नहीं दिया। मैं सराहना करना चाहता हूं राजस्थान सरकार की कि हमारे लगातार आंदोलन और प्रयास के कारण मेनका गांधी जी को भी इसकी क्रेडिट जाती है कि ऊंट को राज्य का पशु घोषित कर दिया गया और उसके कारण कानून में कड़े प्रावधान करते हुए 3 वर्ष पहले हमें सफलता मिली। इसके लिए सरकार को भी क्रेडिट जाती है। तो मैंने आपको कहा कि आप लगे रहो तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। इसलिए आरोप भले लगे लेकिन आज कहीं भी हिरण की हत्या होती है, राष्ट्रीय पक्षी मोरों की हत्या होती है या कहीं भी किसी मामले में, अभी गाय को काट करके केरल में उन्होंने खुलेआम गाय को काटा तो उसमें भी मैंने मुकदमा दर्ज कराया है, ऐसा नहीं है। तो आपकी बात सत्य है और कानून के दायरे में रहते हुए मैं बात करता हूं। आप मुझे कानून ला करके बता दें तो मैं इसका विरोध नहीं, मैं इसके लिए मुकदमा दर्ज कराने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा, चाहे मेरे पर कुछ भी आरोप लगे या कुछ भी कोई मतलब जो है कानूनी कार्रवाई करे। जिंदल शो लिमिटेड के कारण से जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है इसका पहले तो खूब विरोध होता था लेकिन आजकल एकदम बिल्कुल खामोशी सी छाई हुई है, तो इसके पीछे क्या कारण लगते हैं आपको? ओम जी, इतना बढ़िया विषय लिया है कि मैं स्वागत करना चाहता हूं हलचल चैनल का, खासकर आपका। मेरा यह दावा है कि ऐसा कोई जनप्रतिनिधि या ऐसा कोई अफसर नहीं है जिनको जिंदल ने प्रभावित न किया हो। आज भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जिंदल के खिलाफ मैंने केस कर रखा है। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं, आप ये कहेंगे कि न्यायालय के खिलाफ बात करते हैं, मतलब अफसरों को किस किस तरह का लालच देते हैं, किस किस तरह का जनप्रतिनिधियों को लालच देते हैं। आज शमशान, कब्रिस्तान, नदियां, खासकर चरागाह भूमि पर खनन कर रहे हैं और सारे अफसर जैसे सांप सूंघ गया हो, यहां तक मीडिया, मैं बिल्कुल खुलेआम कह रहा हूं कि हमारी खबरों को मीडिया इतना तरीज देकर के छापता था और नेशनल लेवल पे छपती थी, अब इतना प्रभावित कर दिया है इस जिंदल ने। और मैं कह रहा हूं जिंदल इस भिलवाड़ा की बर्बादी की कहानी लिखने के लिए यहां काम कर रहा है, इसको भिलवाड़ा के विकास और भिलवाड़ा की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। यहां तक रजिस्टर्ड एक जो नगर परिषद और जिंदल शाह लिमिटेड को जो पानी देने की अनुमति के तहत तो एक अनुबंध पत्र साइन हुआ, उस अनुबंध पत्र के आधार पर 30-40 करोड़ की लागत से, चूंकि भिलवाड़ा में ट्रैफिक समस्या का बहुत बड़ा मामला है, तो एक ओवर ब्रिज बनाना था, वो ओवर ब्रिज तक नहीं बनाया। तो मैंने इनको लोकायुक्त में मैंने उसकी शिकायत की और कई तरह के पत्र कहां कहां नहीं लिखे। अब वो आज भी ग्रीन ट्रिब्यूनल में चल रहा है लेकिन मैं सोचता हूं कि इसमें सारे लोगों को इन्होंने प्रभावित करने का काम किया है। भिलवाड़ा वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भिलवाड़ा राजस्थान का सबसे हरा भरा शहर हो, भिलवाड़ा शहर प्रदूषण मुक्त हो, क्योंकि यहां की औद्योगिक इकाइयों का जो प्रदूषित पानी है, हवा में जहर है, हम अगर ठीक से शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध वातावरण चाहते हैं तो हमें यहाँ के जो दूषित और प्रदूषित वातावरण को ठीक करने के लिए जी जान से जुटना होगा, पॉलिथिन का उपयोग बंद करना होगा, डिस्पोजेबल का उपयोग बंद करना होगा, हम अपने मकानों की सफाई करके कचरा बाहर डालते हैं, इस आदत में सुधार करना होगा, हम नगर परिषद के सफाई कार्यक्रम में और खासकर नरेंद्र मोदी जो एक बहुत अच्छा मिशन लेकर के चल रहे हैं, उस मिशन को अगर भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हम खास करके कचरा प्रबंधन के कार्यक्रम में भी भागीदारी निभाएं और इस शहर को हरा भरा और साफ सुथरा बनाने के लिए हम सबको आगे आना होगा, तो ही हम सुखी जीवन जीने की कल्पना कर सकते हैं। भिलवाड़ा हलचल के लिए आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका भी आभारी हूँ कि मेरी भावना आप हलचल से जो हजारों हजार लोग जुड़े हुए हैं उन तक पहुंचाएं और समय समय पर आपका भिलवाड़ा जनहित के लिए, जनहित के मुद्दों के लिए हलचल का जो सहयोग रहता है, आज हलचल एक
आम लोगों की जुबान पर बहुत बड़ा जाना पहचाना नाम बन चुका है। इस मौके पर मैं इसके मालिक राजकुमार जी, माली को, उनकी पूरी टीम को, आपके कैमरामैन को, खासकर आपको जिन्होंने आज समय निकाल करके भीलवाड़ा की ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा की, उसके लिए मैं आपका, हलचल की टीम का आभारी हूं, धन्यवाद का। तो ये थे पर्यावरणविद बाबूलाल जी जाजू, जिन्होंने हर सवाल का जवाब बड़ी संजीदगी से दिया, और जब इनसे बातचीत की तो ऐसा लगा कि ये जो प्रश्न का उत्तर दे रहे थे वो मन और मस्तिष्क से नहीं दे रहे थे, बल्कि इनका अनुभव बोल रहा था। हलचल के लिए ओम कसारा।